हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी में बिजी होंगे। तो आज मतलब मैं हूँ अपने घर अम्बाला में। कल रात को आ गए थे हम यहाँ पे, इसलिए आए थे क्योंकि मेरी सिस्टर की डिलीवरी का टाइम आ गया है पास, और मम्मी को कभी भी जाना पड़ सकता है नीरू के ससुराल। तो मैं अपने पापा के पास रहूँगी क्योंकि मम्मी तो चली जाएगी, फिर लाडी भी चला जाएगा, मेरा ब्रदर भी जॉब पे चला जाएगा, तो पापा अकेले रहेंगे, इसलिए हम आगे हैं। हाँ आदि की अभी वेकेशन नहीं स्टार्ट हुई है, पर उसकी मतलब छुट्टियाँ लेके मैं आ गई हूँ। फ्रेंड्स अम्बाला आ तो गए हैं, पर यहाँ बहुत ठंड है, मतलब पिंजौर के मुकाबले ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि आज पूरा दिन धूप नहीं निकली है। पूरा दिन हम ऐसे ही अंदर बैठे रहे हैं रजाई में, और वहाँ तो पिंजौर में तो 7:30 बजे सूरज दिख जाता है और 8 बजे इतनी तेज़ धूप हो जाती है, और इतना अच्छा लगता है ना। और यहाँ ठंड में बैठे हैं, कोई धूप नहीं कुछ नहीं। आदि को भी जैकेट ग्लव्स पता नहीं पूरा पैक करके रखा है मैंने अपने बेटे को। और देखो मैं भी बैठी हूँ रजाई में, लगी हूँ पढ़ाई करने में, क्योंकि पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। ऑब्वियसली अब फॉर्म भरे हैं तो तैयारी तो करनी है, अच्छे से करनी है, और हो सकता है मार्च के एंड तक एग्ज़ाम हो जाए। तो मैं अपनी पूरी की पूरी बुक्स लेके आई हुई हूँ साथ में। मेरी एक फुल मतलब टेची हो गई थी और एक बैग अलग से हो गया था, क्योंकि विंटर्स के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, और साथ में मुझे अपनी बुक्स भी लेके आनी थी, क्योंकि मैं मिस नहीं कर सकती, एक दिन भी मिस नहीं कर सकती। स्टडी में बहुत ज़रूरी है अपना सिलेबस कवर करना, और इस बार तो मुझे मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। जो नवोदय में नहीं मैं कर पाई थी वो मुझे अब करना है अच्छे से प्रिपरेशन। चलो मैं आपको बाहर का सीन दिखा देती हूँ। वैसे तो शाम हो गए हैं, मतलब 5:30 हो गए हैं, और बाहर का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको कैसा है। ये देखिए, दिख रहा है ना आपको, एंड ठंड हो रखी है बिल्कुल। देखा आपने कितनी ठंड हो रही है, और बहुत ठंड है। अब यहाँ पे ना मैदानी इलाका तो धुंध पड़ती है, और पिंजौर में थोड़ा हिली एरिया आ जाता है इसलिए धूप निकलती है वहाँ पे, और यहाँ पे शोर शराबा भी ज़्यादा है, वहाँ तो शांति है शांति। अभी मैं रुकूंगी यहाँ पे, 1 दिसंबर तक रुकना है मैंने, फिर उसके बाद घर जाएंगे। देखो नीरू की साइड से कब मिलती है गुड न्यूज़, हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, अभी हो गया 10 दिन से वेट करते हुए, आज न्यूज़ आएगी गुड न्यूज़। ये है मम्मा का गार्डन। मम्मी बता रही थी कि यहाँ पे हमारे लग रहे हैं अमरूद बहुत सारे, पर अभी दिख नहीं रहे मेरे को, अंधेरा हो गया, कल सुबह देखेंगे। आज तो हम बाहर ही नहीं निकले घर से, कमरों के अंदर से। तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ टेंसेस के नोट्स, और ये कर रही हूँ मैं टेंसेस। मैंने आपको बताया था कि मैं इंग्लिश में क्या क्या पढ़ रही हूँ, साथ में इडियम एंड फ्रेजेस एंड टेंसेस। देखिए बाहर से आई हूँ मैं घूम के, अभी रिकॉर्ड कर रही थी तो, और ठंड चढ़ गई है बिल्कुल, मेरे को बहुत ठंड है भाई। और मेरा आदि गया हुआ उधर मेरे चाचा जी के घर में, वहाँ बैठा हुआ है, बस वो तो आता ही नहीं है वहाँ से, बस नहा के गया है, सुबह ब्रेकफास्ट करके गया है, फिर लंच करने भी नहीं आया, लंच भी वहीं किया उसने उसका, बस ऐसे ही इंजॉयमेंट होती है उसकी। चलो फिर मैं थोड़ा अपने स्टडी कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं ना आप लोगों से गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ, जिस काम के लिए मैं यहाँ आई थी, यानी कि नीरू की डिलीवरी के लिए, तो वो आज होगी है, हमारे घर में आ गया है छोटा सा बेबी। तो अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में देखने के लिए उसे, दोपहर के टाइम हुआ है बेबी, बस अब जा रहे हैं हम, फिर दिखाते हैं आपको बेबी का फेस और बताएंगे कि क्या हुआ है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। हम जा रहे हैं नीरू मासी का बेबी देखने, है ना। हे फ्रेंड्स, ये है हमारी छोटी सी प्यारी सी डॉल गुड़िया, और मैं बन गई हूँ मासी। ये देखिए हमारी क्यूट सी डॉल सो रही है, लड्डू जी सो रही है।
नींदी आ रही है काम तो कहा करवानी है। हम तो आदि हम आदि को कह रहे आदि तेरे बाल पकड़ा करेगी, खींचा करेगी तेरे बाल, नानी को चली जाया करेगी, भाई नानी मेरी कल्ली है, मैं तो जा रही हूं। तो फ्रेंड्स हमारी नीरू के हुई है बेबी गर्ल और ये है न्यू न्यू पापा बने हैं हनी। और आदि के क्या हुआ है, आदि आदि आपकी क्या आई है बेबी, आपकी बेबी सिस्टर आई है छोटी सी, देखो तुम। तो हमारे घर में आई है छोटी सी बेबी गर्ल, क्यूट सी है, बहुत प्यारी सी है ये। ओ भाई भाई तू रह पे तू कर। ये देखिए 12:25 हो गए हैं। तो फ्रेंड्स हमारे घर में आ गई है छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी डॉल। हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे नीरू की डिलीवरी का कि कब आएगी कब आएगी, तो आज होगी या आज आ गई है छोटी सी क्यूट सी एंजल, बहुत ही क्यूट है और आ गई आदि के साथ लड़ने के लिए, आदि के साथ खेलने के लिए। और आदि बहुत खुश था, हम सब भी, और सबसे ज़्यादा खुश थे एंजल के पापा। हम बस थोड़ी देर पहले 12 ही पहुँचे थे, क्या कहते हैं, फिर खाना तो हम वहीं से खा के आए हैं, बस अब सोने लगे हैं। आज मतलब बाहर इतनी ठंड थी ना, मेरे सिर में दर्द हो रहा है इतनी बुरी तरह, बस अब मेरा पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है क्योंकि हेडेक के साथ तो बिल्कुल पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। अब बस मैं अब सो जाऊंगी और फिर सुबह जल्दी उठ के अपनी स्टडी करूंगी। अगर फ्रेंड्स आपको केवीएस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक बेस्ट है और कैसे तैयारी करें, कुछ भी आपको अगर हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगी। जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपके आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। मेरी वैसे नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए लाऊं, केवीएस टीजीटी हिंदी की प्रिपरेशन कैसे करें, और सी टेट से रिलेटेड भी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि आप सेल्फ स्टडी करें या आपके लिए कोई कोर्स लेना बेटर होगा, और मैंने कौन सा कोर्स परचेज किया, ये सब कुछ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। फिर सुबह जल्दी उठना है, तैयारी करनी है, ओके फिर बाय बाय।